पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे मीठा ठगों के सरदार को कुत्ता बेच देता है, लेकिन जब वो कुत्ते को खाना बनवाने घर भेजता है तो वो कहीं का कहीं निकल जाता है, जिस पर उस सरदार को बहुत गुस्सा आता है और वो मीठे को जान से मारने के लिए तलवार उठाकर घर से निकलते हैं, लेकिन मीठा तो वहाँ नई प्लानिंग करके खड़ा होता है। बेगम, अब तुझे समझ आ गई है जो मैंने तुझे कहा है? हाँ मीठे, तू मुझे झूठ मूठ की लाड़ी मारेगा और मैं से खून पर गिरकर अपनी आंखें बंद करके सो जाऊंगी। सोना नहीं है, बस अपनी आंखें बंद करनी है। मीठे, जब आंखें बंद करनी है तो मुझे सोने भी दे, बहुत थकी हुई हूं, नींद पूरी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, मैं ये बकरी फ्रिज में रखकर बाहर चरपाई पर बैठता हूँ, जब वो आएंगे तो तू वहीं पर आ जाए। फिर मीठा वो बकरी फ्रिज में रखकर उस चारपाई पर बैठ जाता है और उनका इंतजार करने लगता है। तो थोड़ी देर बाद वो सब आ जाते हैं। ये क्या सरदार साहब, ये तलवार क्यों लेकर आए हो आप? तेरी गर्दन उड़ाने आए हैं, बहुत तो सियाड़ा बन रहा है, मुझे उल्लू बना कर वो बेवकूफ कुत्ता मुझे बेच दिया। क्या बात कर रहे हो, वो कुत्ता तो बहुत अकलमंद और जहीन है नहीं था? जब उसे खाना बनाने घर भेजा तो वो कहीं का कहीं निकल गया और मेरी सब लोगों के सामने नाक कट गई। अब मैं तेरी गर्दन काटूंगा, मुंशी इसकी गर्दन उड़ा दे। रुको सरदार जी, अगर आप मेरी गर्दन उड़ाना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, पहले आप खाना खा लो फिर मेरी गर्दन उतार देना। और बेगम, जल्दी सबके लिए रोटियां बना। मीठे, में रोटियां नहीं बनाऊंगी, बहुत थकी हुई हूँ, पिछली बार भिंड के लिए रोटियां बनाई थी, बगैर खाई चले गए, सारी रोटियां खराब हो गई। पिछली रोटियों को छोड़, जो तुझे कहा है वो कर, चल इन सबके लिए रोटियां बना, ज्यादा जबान न चला। मैं जबान चला दूंगी लेकिन इनके लिए रोटियां नहीं बढ़ा दूंगी, मैं जर रही हूँ। ये कहकर नसीबो उसी जगह पर चली जाती है जहाँ खून पड़ा होता है। तेरी बेगम तो बिल्कुल मेरी बेगम की तरह है, तेरी बात ही नहीं मानती, मुंशी उड़ा दे इसकी गर्दन। रुको सरदार जी, पहले इसको सबक सिखा दूं, सबके सामने मुझे इनकार करके गई है, फिर आप बेशक मेरी गर्दन उड़ा देना। मीठा कुल्हाड़ी लेकर नसीबो के पास जाता है और झूठ मूठ का उसके ऊपर कुल्हाड़ी मारता है। हाय मैं मर गई, मीठे मुझे कुल्हाड़ी मार दी। नसीबो उसी खून पर गिर जाती है और वो सब वहाँ आ जाते हैं। ये क्या किया तूने, अपनी बीवी को जान से ही मार दिया। हाँ तो मेरी बात नहीं मान रही थी, इसकी यही सजा है। अरे तुम तो बहुत पागल हो, जो रोटी ना बनाने पर अपनी बीवी को मार दिया। मैं इसे दिन में 10 दफा मारता हूँ और 10 दफा उठाता हूँ। ये तुम क्या बात कर रहे हो, मरा हुआ इंसान भी कोई जिंदा हो सकता है? अरे सरदार साहब, ये कुल्हाड़ी कोई आम कुल्हाड़ी है, इस कुल्हाड़ी से ही तो मैं इसे दिन में 10 दफा मारता हूँ और 10 दफा उठाता हूँ। हमें पागल बना रहा है, मरा हुआ बंदा कैसे जिंदा हो सकता है? यकीन नहीं आ रहा ना, तो ये देखो, नाजा नाजा इसकी सांसें। ओ बेगम खोल अपनी आँखें। ये कहते ही नसीबो अपनी आँखें खोल लेती है और वो ये सब मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, ये कुल्हाड़ी कोई आम कुल्हाड़ी नहीं, ये तो करिश्मा है, बहुत बड़ा करिश्मा। सरदार जी करिश्मे को छोड़ो, चल बेगम उठ, अब इन सब के लिए रोटियां बनाएगी या दोबारा मारूं? नहीं मीठे, मैं बढ़ाती हूँ इनके लिए रोटियां बढ़ाती हूँ। नसीबो ये कहकर रोटियां बनाने चली जाती है और वो सब भी बाहर आ जाते हैं और उन सब की नियत उस कुल्हाड़ी पर खराब हो जाती है। इसमें काफी टाइम गुजर जाता है और नसीबो भी खाना बनाकर आ जाती है। चलो सरदार जी खाना आ गया है, पहले खाना खा लो फिर मुझे मार देना, मैं अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूँ। अरे मीठे तू कैसी बातें कर रहा है, हम पागल हैं जो तेरी गर्दन उतारे? ना मीठे ना, तू तो हमें हमारी जान से भी ज्यादा प्यारा है, बस मुझे ये कुल्हाड़ी बेच दे, मैंने ये कुल्हाड़ी खरीदनी है। नहीं बेचूंगा मैं ये कुल्हाड़ी, नहीं बेचूंगा, बहुत सियाने बन रहे हो, मैं ये कुल्हाड़ी तुम्हें बेच दूं ताकि मैं इसे मार ही ना सकूं और ये मेरे लिए रोटियां ही ना बनाए। मीठे
बेच दे इनको, कुल्हाड़ी बेच दे, कम से कम रोज 10-10 दफा मरने से तो बच जाऊंगी। ये कुल्हाड़ी 1,00,000 रुपए की खरीदी है मैंने, मैं नहीं बेचूंगा। मीठे मैं तुझे इस कुल्हाड़ी के पूरे 2,00,000 रुपए देता हूँ, बोल सौदा मंजूर है। 2,00,000 का सुनकर मीठे के मुँह में पानी आ जाता है। ना सोच मीठे को बेच दे कुल्हाड़ी। ठीक है सरदार जी, लाओ 2,00,000 रुपए और ये कुल्हाड़ी ले जाओ, मुंशी टाइम बर्बाद किए बगैर इसे 2,00,000 रुपए दे दे। वो मीठे को 2,00,000 रुपए दे देते हैं और उससे कुल्हाड़ी लेकर चले जाते हैं। अरे बेगम मजा ही आ गया, 300 रुपए वाली कुल्हाड़ी 2,00,000 रुपए की बिक गई। वहाँ वो सरदार कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। अरे अब कुल्हाड़ी देखकर खुश ही होता रहेगा या हमें कुछ खाना भी खिलाएगा? बिल्कुल खिलाऊंगा खाना तुम सबको। और मुंशी घर जाओ और मालकन को बोल के खाना तैयार करे। अच्छा मालिक, मैं जाता हूँ और मालकन को बोल कर आता हूँ कि खाना तैयार कर दे। रुक जा मुंशी, बड़ा तुझे घर जाने की जल्दी हो रही है, तू मेरी बात सुन। तुझे पता नहीं है तेरी बीवी क्या कह रही थी जब हम घर गए थे? क्या कह रही थी वो, मैं तेरी बात समझा नहीं। अरे बेवकूफ, तेरी बीवी कह रही थी कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, उसने खाना बनाने से इनकार कर दिया था। हाँ हाँ मालिक, मालकन ने तो साफ इनकार कर दिया था खाना बनाने से। हाँ तो ये कुल्हाड़ी मैंने किसके लिए ली है? उसके लिए ही ली है, अब मुझे इनकार करके तो दिखाए। चलो सब मेरे साथ घर चलो, आज तुम सबको खाना मेरे और मेरी बीवी की तरफ से है इस कुल्हाड़ी की खुशी में। फिर वो सब के सब घर आ जाते हैं। मुंशी अंदर जाकर मालकन को बोल के सरदार जी आपको बाहर बुला रहे हैं। अच्छा मालिक, मैं अंदर जाता हूँ और मालकन को बाहर लेकर आता हूँ, ये कहकर मुलाजिम चला जाता है। अब तुम सब देखना, अगर उसने इनकार किया तो उसके सर पर कुल्हाड़ी मारूंगा, फिर जब ये दोबारा जिंदा होगी तो कैसे फर फर सबके लिए रोटियां बनाएगी। हाँ अब तो कुल्हाड़ी आ गई है, अब तो भाभी के हाथ का खाना भी नसीब होगा हमें। अब तो बीवियां हमारे ऊपर नहीं बल्कि हम बीवियों पर हुकूमत करेंगे। ऐसा ही है, ये कुल्हाड़ी तो हमारे दिन बदल देगी। यार एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं नहीं बोल, क्या बात करनी है? यार आज शाम को ये कुल्हाड़ी मुझे भी दे, मैं तेरी भाभी के सर पर मारूंगा, बहुत नखरे करती है खाना बनाने में। हाँ ठीक है, मगर कुल्हाड़ी का ख्याल रखें, ये कुल्हाड़ी नहीं बेगमों को काम पर लगाने वाली बीमारी है। मालकन मालकन, मालिक आपको बाहर बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं वो मुझे बाहर? खैर तो है मालकन, मुझे क्या पता वो आपको क्यों बुला रहे हैं, आप खुद ही आकर सुन लो। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। हाँ ठगबाज शोहर, क्यों बुलाया है मुझे बाहर? बेगम बात ये है कि मेरे दोस्तों के लिए फटाफट रोटियां तैयार कर, नमक मिर्च मसाला हर चीज मयार के मुताबिक हो। अपना मयार अपनी जेब में डाल और निकल जा यहाँ से, कोई रोटी नहीं बनाऊंगी। बहुत जबान चला रही है, रोटियां नहीं बनाएगी? हाँ रोटी नहीं बनाऊंगी और जबान भी खूब चलाऊंगी। रुक तुझे बताता हूँ। सरदार आगे आता है और उसके सर पर कुल्हाड़ी मार देता है। उसकी बीवी गिरकर मर जाती है। चल यार इसे उठाओ, रोटियां तैयार करवा, नहीं थोड़ी देर इसे मरा रहने दे, अच्छा सबक मिलेगा। वहाँ मीठा और नसीबो पैसे देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। बेगम अब तक तो उसने अपनी बीवी को मार दिया होगा। मीठे उसकी बीवी तो जिंदा नहीं हो बेगी, इस बार तो वो हमें नहीं छोड़ बेगा। अरे बेगम इसका भी हल है मेरे पास, तू मुझे 1,000 रुपए दे, मैं एक लकड़ी का बॉक्स लेकर आता हूँ। उसका क्या करेगा? उसको छोड़, बस तू मेरा कमाल देखी। मीठा पैसे लेकर लकड़ी का बॉक्स लेने चला जाता है। चल यार अपनी बीवी को उठाओ, रोटी बनवा, बहुत भूख लग रही है। अच्छा उठाता हूँ, ना जा इसकी सांसें, बेगम खोल ले अपनी आँखें। उसकी बीवी ने कहाँ आँखें खोलनी थी, वो तो इस दुनिया से जा चुकी थी। ये आँखें क्यों नहीं खोल रही? मालकन उठो उठो, आँखें खोलो मालकन, सरदार जी मर गई, मालकन मर गई। इसका मतलब उसने मुझे फिर बेवकूफ बना दिया। तलवार उठाओ और चलो उसके पास। वो मीठे को मारने के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ मीठा लकड़ी का बॉक्स
बॉक्स ले आता है। मिठे इसका क्या करेगा? बेगम मेरी बात गौर से सुन, वो मुझे मारने जरूर आएंगे। तू बस एक काम करी, जब वो मुझे मारने आए तो उन्हें कहीं कि यहाँ पर इसे ना मारो, इस लकड़ी के डब्बे में डाल कर ले जाओ। ठीक है मीठे, मैं ऐसे ही कहूँगी, पर वो आएंगे भी कि नहीं आएंगे? आएंगे वो जरूर आएंगे, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।